हेलो गाइस, जी हाँ गाइस, आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति का या फिर किसी भी जो भी हो, जिसको भी केस हुआ पड़ा है जिसके ऊपर, और वो खुद से देखना चाहते हैं घर बैठे मोबाइल से ही, ठीक है, कि किस स्टेज पर अभी केस है, क्या चल रहा है ना, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स चेक कर सकते हैं, अगला डेट क्या है वो भी देख सकते हैं आप, और आपका CNR नंबर वगैरह बहुत कुछ आप उसमें निकाल सकते हैं। किस तरीके से करना है बहुत ही आसान है, आपको कुछ भी नहीं लगेगा, चुटकी भर में आप निकाल सकते हैं मोबाइल से। चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर आप लोगों को हम लेके चलते हैं। स्टोर पे जाना है इंटरनेट ऑन करने के बाद, और यहाँ देखिए क्या आपको एक एप्लीकेशन आपको चाहिए, उसका सहायता आपको लेना है, उसी के मदद से आप इसको देख सकते हैं। तो ई आपको टाइप करना है, उसके बाद इस टाइप से सी अगर आप टाइप करते हैं तो शुरू में आ जाता है ई कॉट, है ना, ठीक है, CORT कॉट। इस तरीके से इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। हमने इंस्टॉल कर रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कहाँ पे आप लोग को पता नहीं चलेगा भाई, ये रहा यहाँ पे, देख सकते हैं ये है ओपन लिखा हुआ है आपका वाला, और ये इंस्टॉल है, ठीक है। इस चीज़ को आपको इंस्टॉल कर लेना है, इस एप्लीकेशन को। देखिए इंस्टॉल करने के बाद देखिए आपको आगे क्या करना है वो आपको बताएंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्या क्या इसमें किया जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, हालांकि बहुत कुछ यहाँ से किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसको ओपन पे क्लिक करेंगे, है ना। चलो भाई ओपन पे क्लिक किया, ई कॉर्ड सर्विस आ गया, QR स्कैन कोड क्या क्या दे रखा है इसने, बाप रे बहुत कुछ है, लोडिंग ले रहा है। तो स्टेटस देखेंगे, CNR नंबर निकालेंगे, और अगला डेट वगैरह क्या है सब कुछ देखेंगे इसमें। लोडिंग तो हो जा भाई, पब्लिक वेट कर रहे हैं। इस तरीके से है, यहाँ हमें क्या करना है, देखिए कैश स्टेटस यहाँ पे इस तरीके से दिख रहा है, ये रहा, यहाँ इस वाले पे क्लिक करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए क्या होगा, हम भी देख लेते हैं क्लिक करके क्या होगा। तो देखिए इस तरीके से आ रहा है, तो आपको अपना स्टेट चूज करना है यहाँ से, ठीक है, जो भी स्टेट होगा वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपका ज़िला जो भी होगा, ठीक है, ये रहे। अब देखिए भाई क्या करना है हमें, हर भाई केस टाइप, तो चलिए हम यहाँ पे करेंगे केस नंबर, ठीक है, शुरू पे उस वाला पे जो है कि हम क्लिक करेंगे। अब भाई केस नंबर तो हमने डाल दिया, देखिए केस नंबर के बाद देखिए कौन सा कोर्ट में आपका केस है, देखिए फैमिली कोर्ट में है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट या जो भी होगा आपका यहाँ पे सिविल जज सीनियर डिवीज़न कोर्ट पे है, या चीफ जुडिशियल जो भी आपका हो, तो हमारा वाला या फिर किसी का भी हम फैमिली कोर्ट वाला हम देखना चाहते हैं, इसलिए उस पर सेलेक्ट किया, ठीक है। उसमें सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे होगा क्या आगे, टाइप है केस टाइप, कौन सा किस टाइप का केस है, तो आपका वाला जो भी हो हम ORG मेंटेनेंस केस इस वाले पर क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैश नंबर हमें डालना है, कैश नंबर आपको दिया होगा वहाँ पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कैश नंबर क्या है वो यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे साल डालेंगे, ठीक है, कौन सा साल है वो डालेंगे, और गो पे क्लिक करेंगे, ये जो गो है, ठीक है, इस वाले पे क्लिक करेंगे, ये लोडिंग लेगा, है ना। और कुछ रीसेट करना हो तो आप यहाँ पर रीसेट से क्लिक करके आप कर सकते हैं रीसेट। तो ये एक केस सामने आया हुआ है, इसके डिटेल्स जो भी आगे हैं देख सकते हैं, है ना। तो भाई क्या है, इस फैमिली कोर्ट वन नीचे जो लिखा हुआ आ रहा है इस वाले पे क्लिक करेंगे, ये रहा यहाँ, एक है इस नंबर का कोई केस बता रहा है, ठीक है, हो सकता है आपका रिकॉर्ड जीरो बताए। इस वाले पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है केस 230/2023 सब कुछ आ रहा है, ब्लू कलर का लिखा हुआ ये रहा, तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, मेंटेनेंस वाला केस है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे और भी डिटेल्स आ जाते हैं, चलो उसमें क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए लोडिंग ले रहा है, यहाँ पे देखिए CNR नंबर वगैरह भी आ गया आपका, है ना, इसको नोट डाउन कर लेना है, डेट कब से शुरू है वगैरह वगैरह, एविडेंस स्टेज पे चल रहा है केस, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर सारा कुछ आ रहा है। इधर आएंगे नीचे आप पिटिशनर एडवोकेट भी देख सकते हैं यहाँ पे कौन है नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, एक्ट कौन सा है, और इसका हिस्ट्री वगैरह भी डिटेल्स देख सकते हैं। सबसे नीचे जो है कि अगला कौन सा डेट को होने जा रहा है, ये रहा 20 को एविडेंस होने वाला है अगला, 20/8 आज डेट है क्या, यहाँ पे देख लीजिए 31 जुलाई, ठीक है। इस तरीके से बहुत कुछ निकाल सकते हैं, है ना। आइए।